हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं करूँगा इस वाले स्केच की शेडिंग, मतलब इसकी कंप्लीट शेडिंग करेंगे और ये इसका तीसरा पार्ट है। इससे पहले मैंने इसके दो पार्ट और अपलोड किया था, चाहो तो आप उनको जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, जिसमें मैंने आउटलाइन और फेस की शेडिंग ये कवर किया था। तो आज हम इसमें कम्प्लीट शेडिंग करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं क्या नेक की शेडिंग कर रहा हूँ। तो नेक में अभी मैं 4B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। ये है आर्ट लाइन की 4B पेंसिल, जहाँ से मैंने कम डार्क जो हिस्सा है उसके बाद मैं ज़्यादा डार्क के लिए वहाँ पे 6B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, सबसे नीचे तरफ जो डार्क वाली जो शेडो दिख रही है। और ये है आर्ट लाइन की पेंसिल जो यूज़ कर रहा हूँ, वो आर्ट लाइन की पेंसिल है। अगर से आपको चाहिए होगी तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हो। तो देखिए, नीचे की शेडिंग हो चुकी है, इसको ब्लेंड भी करते जा रहा हूँ मैं। और जो हेयर होते हैं उनको भी मैं ऐसे डॉट डॉट करके मैंने उनको ड्रॉ कर लिया हूँ। अभी मैं ईयर को ड्रॉ करूँगा, तो देखिए किस तरीके से मैं ईयर को ड्रॉ करता हूँ। अभी मैं 2B पेंसिल का यूज़ करके ईयर की पहले आउटलाइन ड्रॉ किया, फिर मैंने उसके बाद उसमें शेडिंग किया लाइट टू डार्क। तो देखिए, दोनों ईयर को हम इसी तरीके से ड्रॉ करेंगे। और मैं जिन जिन टूल का यूज़ कर रहा हूँ, मतलब पेंसिल, वो सब मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दूँगा। और अभी मैं हेयर्स को ड्रॉ करूँगा। सबसे पहले इधर के हेयर्स तो एकदम पतले से दिख रहे हैं, हल्के से, तो मैंने उनको हल्के से ऐसे स्ट्रोक्स लगा लगा के ड्रॉ कर लिया हूँ। और ऊपर के हेयर ड्रॉ करने के लिए आपको जिस तरीके से दिख रहा है उसी तरीके से जहाँ पर ज़्यादा हाईलाइट है वो वाली जगह छोड़ देनी होगी, और जहाँ से डार्क है वहाँ से आपको ड्रॉ करना होगा, ठीक है। तो वहाँ से आप ज़्यादा डार्क कर दोगे तो हेयर्स अच्छे दिखेंगे। तो अभी मैं हेयर्स को ड्रॉ करने के लिए आर्ट लाइन की 10B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। ये काफ़ी डार्क पेंसिल होती है। तो हेयर में हाईलाइट करने के लिए मैंने जहाँ से हाईलाइट करना था वहाँ पे मैंने हेयर्स को छोड़ दिया हूँ, तो जिससे कि हाईलाइट दिख रहा है। अब देखिए, मैं नीचे क्लॉथ की सेटिंग करूँगा, तो नीचे का जो क्लॉथ है वो तो काफ़ी डार्क है, तो उसको मैं काफ़ी डार्क कर दूँगा। और अगर से आपको ये रेफरेंस इमेज चाहिए होगी तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके ड्रॉ कर सकते हो। क्लोथ का जो ये जो डार्क वाला हिस्सा है, इसके लिए मैं आर्ट लाइन की 10B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। तो देखिए, इसके बाद स्केच कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, कुछ इस तरीके से लग रहा है। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।